अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं, ओमान, इंडिया और पाकिस्तान में रोज़ा नहीं है। सऊदी अरब और दुबई ने रोज़ा रखा था आज का, क्योंकि उनकी चांद रात हो गई थी और हमारा 12 को रोज़ा है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। मेरे मेक एंड फ्रीज वाली आइटम में दही बड़े की कमी थी और एक दो और आइटम है जिनकी कमी है, जैसे चिकन टिक्का वगैरह, वो भी हम बना लेंगे। उससे पहले हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम दाल को भिगो दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। आप जितनी दाल लेंगे ना, ये उसकी डबल हो जाती है भीगने के बाद। जैसे आप 1 कप ले रहे हैं तो 2 कप हो जाएगी, और अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो 4 कप हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जो दाल है ना, ये माश दाल यानी कि वाइट वाली उड़द की दाल है। आप मूंग और उड़द दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। वाइट दाल को आप इस तरीके से ना एक जार में डाल लें और इसके अंदर 1/2 कप पानी लेंगे। ये 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मतलब डालकर देखती हूँ, अगर नहीं पिसेगा तो फिर हम पानी इसके अंदर और ऐड कर देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छे से पिस चुका था, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होती। और पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे और ये पतला हो जाएगा तो आपके बड़े कभी भी नहीं बनेंगे इससे। बस आपने ये ध्यान रखना है। जब भी आप बड़े बनाएं, चाहे मूंग दाल से बनाएं, चाहे आप उड़द दाल से बनाएं, इसको आपने बहुत अच्छे से अंडे की तरह फेंटना है। आपने इसको इतना फेंटना है ना कि ये बिल्कुल ना एक क्रीम के टेक्सचर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर सोडा डाला है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है। आप इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरीके से हम इसे फिर से ब्लेंड कर देंगे और बहुत अच्छे से ना हम इसको मिक्स कर देंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का बन जाए ना, एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए, अब आप देख सकते हैं। फिर हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने का यही तरीका है कि अगर आपकी दाल नीचे बेस में चली जाती है तो अभी आपका जो पेस्ट है ना वो रेडी नहीं है, और अगर ऐसे पानी के ऊपर मतलब जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं इस तरीके से तैरने लगती है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका पेस्ट बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया, इसके अंदर ऑयल ले लेंगे और ऑयल को इतना गर्म करेंगे कि जब हम इसके अंदर बड़े डालें ना, वो जले नहीं और ना ही उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। तो ये देखें, हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से बुलबुले उठने शुरू हो गए थे। ना ये बहुत कच्चा तेल था और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म था, नॉर्मल था। तो हम इसी में अपने वड़ों को ऐड कर देंगे। अगर आप गोल गोल बड़े बनाना चाहते हैं, बस आप स्पून में पेस्ट लें और एक ही मतलब साइड आपने स्पून को रखना है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, ताकि वो पेस्ट जो है वो अपने आप नीचे आ जाए। अगर आप बहुत बड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो आप स्पून से जल्दी जल्दी एज इट इज़ डालते जाएं और आपके बड़े जो है ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनते जाएंगे, जितना पेस्ट आप डालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे तो आपके जितने भी बड़े बनेंगे ना, वो गोल गोल साइज़ के बनते जाएंगे। और इनको बनाना बहुत आसान है और बनाते हुए ना सच में बहुत मज़ा आता है। दही बड़े बड़ों को ना आप बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ना तो फिर उनका कलर अच्छा लगता है और ना ही खाने में उतना मज़ा आता है। तो आपने लाइट गोल्डन कलर के ही आपने इनको फ्राई करना है। जब एक साइड कुक हो जाए तो आपने दूसरी साइड पलट देनी है। इसी तरीके से आपने सारे दही बड़े बाहर निकाल लेने हैं, और उसके बाद आपने दूसरी बार जितना भी आपका पेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, 3 बार में बन रहे हैं, 2 बार में बन रहे हैं, है ना, मेरे यहाँ पर 3 बार में बने थे, तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे बाकी का पेस्ट। अगर कोई माश दाल नहीं खाता तो आप लोग इसे खाली मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, या फिर आप 1 कप मूंग की दाल और 1 कप वाइट उड़द की दाल यानी कि माश की दाल लेकर आप उससे दही बड़ों को रेडी कर सकते हैं। बस मेरे सारे दही बड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और मेरी जो बास्केट थी वो फुल थी तो मैंने ट्रे में निकाल लिया। इफ्तार के टाइम पे ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बना सकते हैं। इसमें खट्टी मीठी चटनी डालकर, इमली की, दही, हरी वाली चटनी, जिस तरह से हमें रेडीमेड स्ट्रीट फूड में मिलते हैं ना, ये इसी तरीके से हम इसे घर पर भी रेडी कर सकते हैं।
मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद। मैं अब इनको इसके पैकेट के अंदर भर लूँगी। ये ज़िपर बैग है, ज़िपर बैग में इसे अच्छे से आप डाल लें इस तरीके से और आप इसे फ्रीज़ कर लें। जब आप इसे फ्रीज़ करेंगे ना, आपने उससे पहले से पानी वगैरह में कहीं में भी नहीं डालना है, आपने बस एज़ इट इज़ इसको ड्राई ही फ्रीज़ कर देना है। और जब आप अपनी इफ्तारी की तैयारी करेंगे तो आपने इसमें से थोड़े से दही बड़े लेने हैं और पानी के अंदर डाल देने हैं। और पानी आपने नॉर्मल लेना है, ठंडा या गर्म नहीं लेना। नॉर्मल पानी के अंदर दही बड़े डालकर आप रख दें और जब आपके बड़े फूल जाएँ, पानी पी के रेडी हो जाएँ, तो आप उनको उनका जो पानी है वो निकाल कर बस अपने दही बड़े यानी कि अपनी चाट में इसको डाल लें। इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे और हम सबको सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Oh, oh, oh.